और सुबह सुबह का टाइम, अचानक से प्लान बन गया पूरी ट्रिप का। दोस्त से बाइक उधार मांगे भाई। और ये गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्हाट्स अप? हम लोग ये जगन्नाथ मंदिर के वहाँ पे पहुंच गए। फॉर सर्टेन रीजन हम लोग अनफॉर्चुनेटली अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन ठीक है, वो प्रसादी वरसादी लेके वापस रिटर्न कोणार्क जाएगा। उसके बाद पूरा मौज करने हैं। क्या पूरा सीन टाइट है क्या? ये आप देख सकते, जगन्नाथ मंदिर यहाँ से दिखना चालू हो गया है। श्री हर हर जगन्नाथ भगवान की जय। क्या बुलडोजर बाबा, ये देख के मेरे को कुछ याद आ रहा। क्या भैया, योगी का याद नहीं आ रहा बुलडोजर देख के? अरे मिस इट गाइस, मतलब कि क्या बोले, एकदम पूरा पेट्रोल खत्म हो गया अभी। हाँ चलिए, पेट्रोल भर रहे बीच रास्ता में। आस्ते आस्ते आस्ते, देख इधर ध्यान दे, गिर रहा है भाई। बात आप आराम से जी, आप भी तो हड़बड़ा कर डाल रहे हैं। ते लूट भी रहा है भाई। चलो हड़ा हड़ा बंद कीजिए, बंद कीजिए। तो मेरे को मत दीजिएगा गलती से भी, मेरे पीठ में ऑलरेडी बहुत बोझ है। हेलमेट नहीं पहने के तो लौड़ा नहीं पहने के। क्या मस्त सीन है। एक दो फोटो शूट करने के बाद वापस। क्या सीन है भाई लोग, क्या बोलते हैं पब्लिक, एकदम ताबड़तोड़। पूरा समर वेकेशन एकदम बढ़िया। थोड़ा ये गोवा या क्या जो, नहीं नहीं गाओ टाओ डोआ नहीं पता क्या नाम है। कोणार्क से निकले तो बारिश हम लोग को मिला, बढ़िया सा बारिश मिला। पूरा मतलब कि वेदर पूरा सुहाना कर दिया। अब एक दोस्त को हम कॉल किया हड़सपुर में, जो जहाँ पे मेरा कॉलेज है, वहाँ पे बारिश नहीं गिर रहा बोला। लेकिन आई मतलब कि आई होप सो दैट कि वहाँ पे 22 किलोमीटर दूर है यहाँ से, इस लोकेशन से गूगल मैप में चेक किए तो एटलीस्ट वहाँ पे बारिश अगर नहीं भी गिर रहा हो तो क्लाउडी वेदर होना चाहिए एटलीस्ट।
ए राइट ना, ठीक है सर। आराम से चला, ज्यादा स्पीड नहीं है।